हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रिएजेंट्स, और उन रिएजेंट्स में हम जो दो दो टॉपिक करने वाले हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सेकंड टॉपिक है बोरोहाइड्राइड। ये दो टॉपिक हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और इन रिएजेंट्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो ये है। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम इनकी प्रिपरेशन देखते हैं, मीन्स हाउ हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। और द लास्ट पॉइंट है इनकी एप्लीकेशंस, मतलब इनके यूजेस, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा, इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स केमिकल फॉर्मूला, वो है LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ऑल्सो नोन एज LaH। एल से लिथियम, इस एल्युमिनियम एंड एच फॉर हाइड्राइड, इसका जो अनदर नेम है वो यही है LaH। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यह है Li, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम ब्रैकेट में बनाएंगे। यहाँ पे है एल्युमिनियम सेंटर में, एक एच ऊपर की साइड और सेकेंड एच डाउन साइड, जो थर्ड एच है वो रहेगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, देन इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड द फोर्थ हाइड्रोजन एटम इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट इज इन बैक डायरेक्शन। इसका मतलब होता है ये होता है बैक डायरेक्शन में, और ये इसको शो किया जाता है डैश लाइन से और ब्रोकन लाइन से। और जो ये हमने यहाँ पे जो सॉलिड लाइन बनाई है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है ये टुवर्ड्स ये ऑब्जर्वर की तरफ है, ये जो हाइड्रोजन है, और ये ऑन द पेपर है। इसको रिप्रेजेंट करने का 3D फॉर्म में यही है तरीका, डेट इज नेगेटिव LaH। और इसमें जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो है, दिस इज HP3, और जो इसका अरेंजमेंट है, इसका जो अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल की शेप में, तो इसका अरेंजमेंट रहेगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पर अब हम इनकी प्रिपरेशन देखते हैं, मतलब और जो इनका फर्स्ट प्रिपरेशन है वो यही है कि जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो ये है, द रिएक्शन ऑफ लिथियम हाइड्राइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। Produces LiAlH4। और अब हम इसको LiH प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, इसका जब ये रिएक्शन होगी LiAlH4, और इसके साथ साथ हमें LiCl भी मिलता है, उसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आएगा 3। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड से, जिसकी वजह से हमें जो मिलेगा वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है वो है LiCl। ये है इसकी कंप्लीट इक्वेशन LaH को प्रिपेयर करने की। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसके यूजेज होते हैं।
जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, एल ए एच इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी लैब्स. और इसका जो सेकेंड यूज है वो है इट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल. इसे हम एग्जाम्पल लें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और जब ये एल ए एच की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है आर. ये रिएक्शन होती है एल ए एच और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और फिर ये बनता है आर सी एच टू ओ एच. ये है हमारा एल्कोहल, और ये हम जो लिया है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो से यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन होता है हमारा पी एच थ्री. अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, पी सी एल थ्री प्लस एल आई ए एल एच फोर. जब भी रिएक्शन होती है तो फिर यहाँ बनता है पी एच थ्री प्लस यहाँ बनता है एल आई सी एल, और जो बचा है वो है ए एल सी एल थ्री. उसको हम बैलेंस करेंगे फोर यहाँ पाएगा थ्री. अब ये इक्वेशन बैलेंस है, दिस इज द प्रिपरेशन. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है यही हमारा फॉस्फिन. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं. NaBH4 ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम NbH के नाम से भी जानते हैं. और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. यह हमारा सोडियम एटम, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एच और नीचे एक एच, और यहाँ पर है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और दिस डैश लाइन शो करता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये पीछे की तरफ है बैक डायरेक्शन में. दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल. अगर अब हम यहाँ पर प्रॉपर प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, अब पर
प्रिपरेशन ऑफ एन ए बी एच फोर. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विद ट्राइमिथाइल बोरेट और विद फ्लोरो बोरेट एंड हाइड्रोजन. इसकी जो रिएक्शन है वो ऐसे होगी. एस थ्री या बोरेट, इसका जब रिएक्शन होगा तब देन इट फॉर्म एन ए बी एच फोर और जो बचा है सी एच थ्री ओ एन ए. एक तो ये इस टाइप से होगी प्रिपरेशन. उसका सेकंड टाइप है उसमें बस यहाँ पर ट्राई मिथाइल बोरेट नहीं है, इसको चेंज करना है. एन ए बी एफ फोर लेंगे यहाँ पर और ये हमें देगा एन ए बी एच फोर प्लस एन ए एफ. यहाँ पर भी हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल रहा है तो ये इनकी प्रिपरेशंस हो गई दो. फर्स्ट ये, सेकंड ये. यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एन ए एच इज़ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू एल आई ए एच एच फोर. मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. इस न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को देखना होगा. यहाँ पर जो बोरोन है, बोरोन और हाइड्रोजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है हमारा बोरोन. तो ये टोटल चार्ज है नेगेटिव जिसकी वजह से ये एच एटम को इजीली डोनेट नहीं कर पाता तो ये हो जाता है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट. एंड इट और हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इट इज़ ऑर्डरलेस. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 673 केल्विन एंड इट इज़ वाइट टू ग्रेश क्रिस्टलाइन पाउडर. यूजेस देखते हैं. यूजेस ऑफ एन ए बी एच फोर. फर्स्ट यूज है एन ए बी एच फोर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी लैब्स. सेकेंड पॉइंट इज इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड फॉक्सिंग इन एज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स. थर्ड पॉइंट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड. आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को हम रिएक्ट करवाते हैं एन ए बी एच फोर से तो ये बनता है अल्कोहल. और ये किससे बना है? एल्डिहाइड ग्रुप से. यहाँ पर ये बनता है एल्डिहाइड से अल्कोहल इस तरीके से. तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा. थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग.